नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। इसका करने का हमारा मेन उद्देश्य वो ये हुआ है कि हम लोग के अभी शूटिंग में शूटर पूरे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और पहले हम लोग का प्री नेशनल एक ही होता था, स्टेट के बाद वो होता था ऑल इंडिया जीबी मामलकर। तो ऑल इंडिया जीबी मामलकर जैसे एक ही जगह पे होगा, आसनसोल में भी हम लोग ने 7-8 बार कराया है, तो एक ही जगह में पूरे मुल्क से अलग अलग जगह से लोगों को आना काफ़ी दिक्कत होती थी और एक ही मौका मिलता था। इसलिए हम लोग ने ये दोनों चैम्पियनशिप है इनको भी प्री नेशनल्स का मामलकर वाला ही दर्जा दे दिया है, ताकि जो यहाँ से क्वालिफाई करेगा वो सीधा नेशनल्स में जाएगा। हमारे इस बार नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप भोपाल में होगी नवंबर महीना में, और आजकल हमारे नेशनल चैम्पियनशिप में भी राइफल पिस्टल में ही करीब 6,000 शूटर हो जा रहे हैं, और इसमें भी हम लोग ने सोचा था कि जोन में हमारे 200 से 250 होंगे, लेकिन 400 शूटर करीब हो जा रहे हैं। 400 शूटर भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में, और जो इसमें क्वालिफाई करेंगे वो नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2019 में जो हम लोग की होती है भोपाल में सल होगी, वहाँ पर भाग ले पाएंगे। 60 इवेंट हैं इस चैम्पियनशिप में, 50 जो है NRL ISSF रूल्स के हिसाब से, 10 जो है दूसरे हैं ओपन साइड के हैं। तो 60 इवेंट्स में विभिन्न शूटर जो है इसमें भाग ले रहे हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हमारी 1 तारीख को होगी 3:30 बजे। उसमें माननीय मंत्री मलाई घटक जी, तापस बनर्जी चेयरमैन ADDA, DRM साहब सुमित सरकार और AV कमलाकर CEO ISP सेल, ये लोग मौजूद रहेंगे। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। तो ये लेकर के हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि शूटिंग का दर्जा अभी पूरे विश्व में हम लोग का इंडिया 1 नंबर पे चल रहा है। इस साल 3 वर्ल्ड कप जो अभी तक हुए हैं उसमें हमारे इंडियन शूटर्स मेडल टैली में सबसे उच्च स्थान पे रहे हैं, और हम लोग अभी शूटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं जो भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं इस साल नाइट चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं आप लोग की मीडिया की तरफ से, प्रेस की तरफ से हम लोग ये स्पोर्ट को आप लोग पूरी कवरेज दें, बढ़ावा दें, और ये इवेंट को भी आप लोग अच्छा से कवर करें, ताकि इस क्षेत्र से भी स्कूलों में और कॉलेज के बच्चों में एक जागरूकता हो, एक उत्साह उत्पन्न हो कि हाँ शूटिंग में हम लोग को भाग लेना है, और शूटिंग से हम लोग का करियर भी आगे से हम चला रहे हैं। रायपुर का 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसी टाइम से चल रहा है। जब फर्स्ट इवेंट आपने किया था तो कितने लोग पार्टिसिपेंट किए थे? जब फर्स्ट इवेंट फर्स्ट जब 1951 में किया है तब करीब करीब अबाउट 87 मेंबर्स ऑफ शूटर्स टू पार्ट इन द कंपटीशन। और अब जो कर रहे हैं कितने लोग पार्टिसिपेट? अभी जो कर रहा जो हम लोग को क्लब का कंपटीशन में प्राइस करीब मान लीजिए 200 करीब शूटर पार्टिसिपेट करते हैं हमारा क्लब का, और स्टेट में करीब 600। जब नेशनल लेवल कोई कंपटीशन मामलांकन हो रहा तब कम से कम मान लीजिए 1200-1300 शूटर पार्टिसिपेट। आप तो बहुत दिन से चला रहे हो, अब तक लोकल अचीवमेंट क्या, हमारे कुछ बच्चे यहाँ से नेशनल लेवल पर उभर पाए हैं? बहुत पहुँचे, बहुत पहुँचे। इसका पहले का बहुत 1956 से लेके 68 तक हम लोग को तो नेशनल में फर्स्ट प्राइज बहुत मिला, लेडीज इवेंट में मिला, जेंट्स में मिला। हम लोग को एक शूटर प्रणव रॉय, वो आपको एशियाड में 82 में सिल्वर मिला, तो उसको आसनसोल से थे। आसनसोल से फ्यूचर में आप लोग क्या चाह रहे हैं और कैसा फ्यूचर में? हम लोग कोशिश करते हैं जो कुछ लड़का लड़की बच्चे लोग जो शूटिंग में अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे तो ये लोग जा सकेगा ऊपर, और ये दूसरा स्टेट में जैसे वो लोग स्कूल बच्चे लोग सब आके पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, तरक्की करते हैं, उसमें से उन लोग को नौकरी के क्षेत्र में, एडुकेशन क्षेत्र में, एडमिशन के बारे में बहुत एडवांटेज ये लोग को मिलते हैं।
कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उन लोग से जब हम लोगों ने मिला तो उन लोगों ने कहा कि हमारे शहर में राइफल क्लब बहुत बड़ी है लेकिन वहाँ जो भी इवेंट होता है तो हम लोग पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि हम लोग भी जाकर देखें। हम लोग को इसके लिए क्या कॉम्पिटिशन में हम लोगों को दौड़ इन्वाइट करते हैं, फिर हम लोग स्कूल कॉलेज सब में जाके बोला जाए आप लोग को बच्चा लोग को भेजिए, हम लोग ट्रेनिंग देंगे, हम लोग उसको ट्रेन करेंगे। ये एक्चुअली ये जो थीम जो आया था राइफल क्लब में ट्रेनिंग का, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था 1962 में, उसका बाद बहुत ये आया कि सिविलियन को ट्रेन करने होगा आर्म्स हैंडलिंग ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि लोग ड्यूटी कर सके, सिविल ड्यूटी कर सके। अगर पुलिस भी चल जाए बॉर्डर में तो ये लोग एटलीस्ट आर्म्स लेके ये लेके सिविल ड्यूटी कर सके। तो इसी टाइम में जब 62 का वॉर हुआ था तो आसनसोल राइफल क्लब को एडमिनिस्ट्रेशन से बोला तो बाजार में भी 2-3 ऑफिस खोलिए, तो बहुत आदमी आया था इसको ये लोग को ट्रेनिंग करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कैसा आप लोग को? क्या हम लोग का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम लोग ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन ऑलरेडी हम लोग 8-10 कर चुके हैं, 12-14 कर चुके हैं, उसमें से एक ही किया था नेशनल सिविल चैंपियनशिप 1996 में, और इंडो बांग्लादेश बांग्ला गेम्स का जो शूटिंग कंपटीशन आसनसोल में होता है। बंगाल में हम ही लोग पहले आफ्टर 31 ईयर्स पहले शूटिंग हम लोग नेशनल हुआ था 64 में बंगाल में, उसका बाद एबंडन हो गया था वो बीच शूटिंग के बीच में। उसका बाद में इंडिया में जब भी कहीं जाता था तो बोला जाता था बंगाल में कब होगा, बंगाल में कब होगा, तो हम लोग 1995 में फर्स्ट 5th ऑल इंडिया जीवी मबना का शूटिंग चैंपियनशिप हम लोग यहाँ होल्ड किया था। तो ये जो बात पूछ रहा था कैसे रहा, उसी टाइम में जितना शूटर जितना ऑफिशियल आया था उन लोग को खा रहना खाना सब फ्री किया था। उसका बाद वो देख के इतना खुश हुआ था कि हम लोग को 96 में फिर दिया गया नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसका बाद चल रहा अभी हम लोग को उम्मीद है अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया कर पाए तो खूब मदद मिलेगा कोई कोल इंडिया कोई इंटरप्राइज से, तो हम लोग इसको यहाँ पर इंटरनेशनल की शूटिंग कर सकते हैं। अच्छे काम कर रहे हो सर, ऐसा क्या लगता है कि ओलंपिक का जब गेम होता है तो हमारे भारत का जो मेडल है शूटिंग में बहुत कम आता है और ज़्यादा आना चाहिए? मेडल तो वैसा प्रमोशन लोग नहीं कर पाते हैं, मेडल तो जो भी मेडल आया वो शूटिंग में ही आया। हाँ लेकिन कम आया, गोल्ड सिल्वर कम है नंबर, कॉम्पिटिशन भी देखिए कितना टफ है। और इस दिशा में थोड़ा मेहनत और होना चाहिए ताकि हम लोग ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकें ना, वो तो कोशिश तो किया जा रहा। अभी वर्ल्ड शूटिंग में हर शूटिंग में तो इंडिया में मेडल के नाम पर मैक्सिमम लॉरल्स बाहर से इंडिया में आता है शूटिंग में, शूटिंग इवेंट में बैडमिंटन रेसलिंग जो भी मिलते हैं वो उससे ज़्यादा मिलता है हम लोग को शूटिंग इवेंट में। हाँ सर, ऐसा है कि जो आपने अभी प्रश्न किया ओलंपिक्स में, तो यहाँ मेरे को बोलना पड़ेगा कि ओलंपिक्स एक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्ड्स प्ले नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देश का प्रतिनिधि होकर 2 ओलंपिक्स में गया था, लंदन ओलंपिक्स में और रियो ओलंपिक्स में। जी सर, ओलंपिक्स एक ऐसी स्पोर्ट है जहाँ पर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। अगर आप नॉर्मल कहीं पर अगर जनरल आपका जैसे 400 में से अगर आप 398 मारते हैं ना, तो ओलंपिक्स का वहाँ पर स्कोर 385-90 के बीच में हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स के नाम से ही एक प्रेशर एक होता है, एक नर्वस सिस्टम आदमी का कलेप्स करता है। जो एवरेज स्कोर ठीक है, बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ आपको। दूसरी बात है कि आज हमारे कंट्री को जो भी इंडिविजुअल गोल्ड इकलौता मिला है तो वो शूटिंग से मिला है, ठीक है जी। और बाकी भी जो भी मेडल मिले हैं और जो फ्यूचर में भी जो प्रोस्पेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसको पहले नाम था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको राजेंद्र राठौर जो कि एक हमारे शूटर थे उसको उन्होंने कर दिया स्पोर्ट्स इंडिया, अथॉरिटी हटा दिया। स्पोर्ट्स इंडिया का काम है टू प्रमोट शूटिंग। पिछली ओलंपिक्स के बाद, हालांकि पिछली ओलंपिक्स में हमारे शूटिंग में कोई मेडल नहीं आया ओलंपिक्स में, ठीक है, हम लोग मैंने अनफॉर्चुनेट रहेंगे एकदम मिसयूज गए थोड़ा सा एकदम। लेकिन उस टाइम भी 2016 में पॉलिसी हो गई कि जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होगा
उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा फंडिंग, सबसे ज़्यादा मेडल प्रोस्पेक्ट हम लोग का जो है शूटिंग में और बैडमिंटन में है। ये दो चीज़ों पर जो गवर्नमेंट ने कहा हम ध्यान ज़्यादा देंगे, पैसा ज़्यादा देंगे, फोकस ज़्यादा करेंगे, फोकस ज़्यादा करेंगे। तो उन्होंने तीन कैटेगरीज बनाई, एक हुआ मेडल प्रोस्पेक्ट, एक हुआ कुड भी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, मेडल प्रोस्पेक्ट में शूटिंग और बैडमिंटन को ही लिया गया। तो इसलिए ये बोलना कि शूटिंग में और मेडल ओलंपिक्स में आने चाहिए, ये आने चाहिए, मतलब जो आने की संभावना है या जो आए हैं तो मैक्सिमम वहीं से आए हैं, वहीं से आए। आज जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में शूटिंग हट जा रही है, अब बताओ, ठीक है, बिर्मिंघम में जो है, ठीक है, शूटिंग हट जा रही है, तो हम लोग शायद कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, पूरा इतना हल्ला हो रहा है किस लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल शूटिंग से ही आते हैं, अभी लोग ला रहे हैं। सर यहाँ जो प्रोग्राम आप कर रहे हो 29 अगस्त जो कर रहे हैं, आपका इवेंट क्या क्या है? हम लोग के 10 मीटर राइफल के इवेंट है मेन एंड वुमेन, 10 मीटर पिस्टल के इवेंट है मेन एंड वुमेन, 50 मीटर राइफल प्रोन है आपका मेन एंड वुमेन, 50 मीटर पिस्टल है मेन का, 50 मीटर राइफल है, 3P 3 पोजीशन बोलते हैं हम लोग, 3 पोजीशन का मतलब होता है कि टोटल स्कोर किए जाते हैं, एक होता है स्टैंडिंग, एक होता है नीलिंग, एक होता है प्रोन। स्टैंडिंग होता है खड़े होकर शूट करना, नीलिंग होता है जो नील होके, और प्रोन होता है जो लेट के करना, इन तीनों का उसको 3P बोलते हैं। 25 मीटर का स्टैंडर्ड पिस्टल है मेन, 25 मीटर का स्पोर्ट्स पिस्टल है जूनियर मेन एंड वुमेन, और 25 मीटर का सेंटर फायर पिस्टल है। ठीक सर, आखिर क्वेश्चन ये है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है? इसके लिए तो यही मैसेज है, हमारी सबसे शुभकामनाएँ हैं कि सब क्वालिफाई करें और सब नेशनल स्तर पर जाएं और अपना और अच्छे शूटर करें और अच्छा शूटर बने। कुछ नाकाम होंगे, कुछ कामयाब होंगे, ये तो है ही है। ये तो देखिए, शूटिंग ऐसी चीज़ है कि अच्छे से अच्छा शूटर उस दिन अगर वो उसका नहीं है तो नाकाम हो जाएगा, और ख़राब से ख़राब भी आदमी अगर वो दिन उसका है तो कामयाब हो जाएगा। शूटिंग में बोलना बहुत मुश्किल है, उस दिन आपका क्या है वही, इफर्ट के साथ लक भी होना जरूरी होता है। उस दिन आपका मतलब कैसा जाएगा वो आपकी जानी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वीरेंद्र है। अच्छा, आपकी इंडियन नुमाइंदगी की है ना? मैं प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया।